हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग। और आज है होली का एक दिन पहले, क्योंकि बहुत जगह पे 25 तारीख को होली मनाया जा रहा है और बहुत जगह पे 26 तारीख को होली मनाया जा रहा है। तो 26 तारीख को तो मंगलवार पड़ रहा है, तो इसके लिए आज ही मेरे यहाँ मटन बन रहा है। और बहुत टाइम से मैं सोची थी, मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आग वाला बनाना, तो शहर में तो पॉसिबल हो नहीं पाता है, मतलब शहर के अपना घर रहता है तो आदमी बना सकता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बाहर आग वाले मटन, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड का खाने का मन था। और ये आप लोगों को मैं एक बार दिखा देती हूँ। और ये देखिए, ये दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, खाना वाना हो गया इन लोगों का और चुपचाप से बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रहा है मटन, वो भी आग वाले। आग वाले कितने टेस्टी होते हैं ना। तो यहाँ मैं अपने घर के थोड़े से जो बाहर स्पेस हैं गेट के पास, वहीं ईंटें लगाई हूँ और बहुत फटाफट से हो गया है। 3-3 ईंटें लगाती हूँ और लकड़ी लगा के, मतलब आग वाले ना जो भी चीज़ बनाओ वो कितने टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बाहर मटन, और मैं नॉनवेज नहीं खा रही हूँ, मतलब मुझे 1.5 महीने हो गए हैं। तो ये सिर्फ मेरे हस्बैंड, मेरे देवर और मेरी देवरानी के लिए है, और अंदर हम लोगों के लिए, मैं और मेरी सासू माँ के लिए पनीर बन रहा है। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना बनाते बनाते, क्योंकि मीट को भुनने के लिए मैं रख दी हूँ आग पे। और यहाँ आ गई मैं अंदर, जो कि हमारे लिए और हमारे सासू माँ के लिए यहाँ पे बन रहा था पनीर। और देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पनीर आया था, 1.5 केजी के लगभग पनीर आया था, लेकिन हम लोग आधा ही बनाए। और ये हो गया है रात का टाइम, और यहाँ पे बन रहा है गुलाब जामुन। और एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स, कि मेरे हस्बैंड ना बहुत ही अच्छा गुलाब जामुन बनाते हैं। गुलाब जामुन काला जामुन क्यों? चला तो पता नहीं क्यों चला रहा है। मम्मी का शौक है टीवी का के लगवाई। तुम्हारे जो गुलाब जामुन खाया था उससे बड़ा है, अभी फूलेगा तो और बड़ा हो जाएगा। बनाओ के लिए किन के लिए बनाओ के लिए? अरे तो कौन से इसके बनाओ के लिए कितने बड़े बड़े थे? छोटा बनाएगा। तो गुलाब जामुन मैं और मेरे हस्बैंड मिलके गोल गोल बना दिए हैं, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा परफेक्ट बनता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना ही ज्यादा, मतलब बहुत अच्छा ही बना है। और मेरी देवरानी यहाँ पे गुलाब जामुन छान रही है और चाशनी भी बना के रखी हुई थी। और ये हो गया है रात का टाइम, और यहाँ पे बन रहा है हमारा खाना। और खाने में बन रहा है फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था चावल का लिट्टी खाए हुए, तो यहाँ पे चावल का लिट्टी बन रहा है मेरे लिए और मेरी सासू माँ के लिए। और बाकी लोगों के लिए तो मटन था, तो वो लोग मटन खाएं, और मैं और मेरी सासू माँ वही चावल की लिट्टी खाए थे। तो यहाँ पे मेरी देवरानी चावल की लिट्टी उधर बना रही थी, और साथ में मैं रोटियाँ सेक रही थी। इसलिए सेक रही थी कि फटाफट से हो जाएंगे, और साथ मिल के काम करने से एक फ़ायदा होता है कि फटाफट से सारे काम भी हो जाते हैं, और जाके बैठ के खाना अच्छा भी नहीं लगता है। कोई इंसान अगर कुछ कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ के खाना जाके खाते रहें, कुछ काम ना करें। तो मैं जब भी जाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं उसका हेल्प करूँ। तो बस वही, यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही थी और वो बेल रही थी। तो क्या करना?
सब्जी रख ले। तो यहाँ पे बन रहा था मटर भर के चावल की लिट्टी, और दो दिन से मेरी सासू माँ बोल रही थी कि मटर वाले लिट्टी बनाओ चावल का, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है, और मटर का सीजन जाने वाला था इसलिए मटर वाला यहाँ पे लिट्टी बन रहा है। और मैं दिखा नहीं पाई कि हम लोग क्या क्या खाए थे, बस यहाँ तक मैं सूट की हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट डे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।